आपने देखा कि रात को खूब मस्ती की हमने, मदर्स डे भी मनाया बच्चों ने और हमारी शादी की सालगिरह भी मनाई रात को 12 बजे। बहू ने केक बनाया और कोल्ड कॉफ़ी बनाई और इलू और बहू दोनों ही मिलकर किचन में शरारत कर रही थी, मुझसे छुप छुप के काम कर रही थी, लेकिन मुझे खुशबू आ गई थी तो मैंने भी एक्टिंग की। मैंने कहा क्या बना रही हो, तो बोली हम तो धनिया पीस रहे हैं और वो पीस रहे हैं। मैंने कहा धनिया तो खूब सारा पीसा हुआ पड़ा है, लेकिन बाद में मुझे खुशबू आ गई तो मैं समझ गई कि ये लोग केक बना रही हैं दोनों। तो बहू ने बहुत अच्छा केक बनाया था, आपने देखा फोटो में वीडियो में, और फिर कोल्ड कॉफ़ी बनाई और पॉपकॉर्न बनाए और फिर हमने सब ने वीडियो कॉलिंग की सबसे, बेटियों ने दोनों ने, दामाद ने, और द्वेता भी अभी उधर ही है। तो इस तरह से रात को हमने अपनी जो शादी की सालगिरह उसका केक काटा और मातृ दिवस का भी केक काटा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो आज है मातृ दिवस, तो उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को जिन्होंने मुझे माँ का स्थान दिया। कोई भी माँ का स्थान नहीं दे सकता किसी को भी, लेकिन आप लोगों ने मुझे जो अपनी माँ का स्थान दिया है उसके लिए मैं बहुत भाव विभोर हो जाती हूँ और कई बार बहुत, मतलब मेरी आंखों में आंसू भर जाते हैं कि आप लोगों का प्यार इतना मिला मुझे। तो आपके जो कमेंट्स आते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारी शादी की सालगिरह भी है और ये वीडियो आएगी जितने मैं आपसे लाइव में मिल लूँगी, तो जरूर आइएगा और आएंगे आप, क्योंकि वीडियो बाद में आएगी और लाइव पहले आ जाएगी। तो बस ब्लॉग शुरू कर रही हूँ, 6 बज चुके हैं और मैं 5:30 बजे उठ गई थी नहाली। ओह ध्यान आया, आज संडे है तो आज संडे को पानी नहीं डलता है हमारे यहाँ तुलसी जी ने, तो आज बस मैं केवल हाथ जोड़ के आ जाऊंगी तुलसी जी को। तो जा रही हूँ मैं तुलसी जी को हाथ जोड़ने।
थोड़े छोटे मोटे कामों से निवृत्त हो गई हूँ मैं, जैसे झाड़ू लगा ली, पूजा कर ली, पाठ कर लिया, तो सोचा अभी अपलोड कर दूंगी इस वीडियो को मैं। और लाइव में दोपहर में आऊंगी, तो लाइव में जरूर आइएगा आप मेरी लाइव में। बहुत दिनों के बाद, यानी सालों साल के बाद कर रही हूँ मैं लाइव, तो आप जरूर आइएगा मेरी लाइव में। और मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, रूबरू मिलना चाहती हूँ, कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया मुझे। नहीं, अच्छे कमेंट्स करते हैं आप लोग, हालांकि मैं थैंक यू नहीं कर पा रही हूँ, कारण मेरी तबीयत थोड़ी खराब रहने लगी है। तो दोपहर को मैं बस सो जाती हूँ, बहू बेचारी सारे किचन के काम निपटाती है, मैं तो छोटे मोटे थोड़े मोटे काम कर लेती हूँ। जब ठीक होती हूँ तो आपको वीडियो बना के या कोई भी रेसिपी बना के दे देती हूँ। हाँ, एक जने की बहुत ही ज्यादा पकौड़ी की सब्जी की रिक्वेस्ट आ रही है, मैं जरूर पूरा करूंगी उसको, उस रिक्वेस्ट को। तो जब भी अभी पकौड़ी की सब्जी, या तो मैं आज ही कोशिश करूंगी कि बना के उनको वीडियो और उनको रेसिपी दूं। और बाकी आप लोगों का जो प्यार मुझे मिला है वो सबसे बड़ा पैसा है मेरे लिए, सबसे बड़ी तनख्वाह। एक भी कमेंट्स बुरा नहीं आया, सारे अच्छे कमेंट्स आए, बहुत अच्छा लगता है। आप मुझे जब मम्मी जी कहते हो, आप मुझे आंटी जी कहते हो, और मुझे ये कहते हो कि मैंने आपकी माँ की कमी पूरी की है, तो माँ का स्थान तो देखिए कोई भी नहीं ले सकता, दुनिया में कोई भी नहीं ले सकता है, लेकिन आपने दिया है मुझे माँ का स्थान, तो इसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत आपका धन्यवाद करती हूँ। और मुझे भी इतना ही प्यार है आखिर, हालांकि मैंने आप लोगों को देखा नहीं, लेकिन मुझे आप लोग मेरी बेटियों जैसी दिखती हैं, मेरी बहू जैसी दिखती हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ऐसी ही बच्चियां होंगी ये, जो मुझे मम्मी कहती हैं और मुझे आंटी कहती हैं, और मेरी वीडियोस को देखती हैं और उनको अच्छी लगती है वीडियो, तो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यही है। और आज मातृ दिवस है, तो बस मेरा गला भरा आया है कि आप लोगों का प्यार इतना ज्यादा मिला मुझे कि मेरे पास शब्द नहीं है आपका धन्यवाद करने के लिए। मुझे आप सब में अपनी बेटियां दिखती है, जैसे प्राची शुक्ला है मेरी बहू है, वैसे ही आप सब लोग हो। बच्चे भी कई आते हैं मेरे चैनल में, वो मुझे नानी जी करते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि कोई मुझे नानी कह रहा है, तो कोई मुझे मम्मी कह रहा है, कोई मुझे आंटी कह रहा है, तो इससे बड़ी खुशी और इससे बड़ी कमाई मेरे लिए और कोई नहीं हो सकती। मेरा प्यार मिल गया, बहुत बड़ी चीज मिल गई, बहुत बड़ा उपहार मिल गया, बहुत बड़ा, बहुत लोगों का प्यार मिल गया, और आगे भी आपका प्यार बना रहे। बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरी वीडियो, कोशिश करती हूँ मैं बनाने की, हालांकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती आजकल, कभी कुछ रहता है, फिर भी मैं छोटी मोटी वीडियोज आपके लिए बनाती रहती हूँ कि आप लोग इंतजार करते हैं मेरी वीडियोज का, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। मेरे से उस तरह की वीडियो नहीं बन पा रही, जबकि मैं देखती हूँ अपनी पुरानी वीडियोज, तो मैं सोचती हूँ कि मैं ऐसी वीडियो नहीं बना पा रही बिल्कुल भी, कारण मेरी तबीयत खराब रहती है इस वजह से। तो भी मैं कोशिश करूंगी, जब जब ठीक रहूंगी आपके लिए वीडियो बनाऊंगी, और आपका प्यार हमेशा मुझे ऐसे ही मिलता रहे, बस यही भगवान से चाहती हूँ। और कल एक कमेंट आया कि आप बहुत डिप्रेस हैं, वो कोरोना की वजह से, तो कोरोना की वजह से डिप्रेस मत होइए, बस ध्यान रखना है, हमें दूरी रखनी है, दूरी बनाए रखनी है, बाहर नहीं निकलना है, और बस घर में ही बैठ के चाहे आप काढ़े बनाइए, चाहे आप विटामिन सी की गोलियां लीजिए या मल्टी विटामिन लीजिए, बुखार वगैरह की दवाइयां रखिए अपने पास। और हमने तो कोरोना हुआ था, हमें भी सारे घर को ही हो गया था पिछले साल नवम्बर में दिवाली के टाइम, तो बस डॉक्टर से पूछ के घर में ही हमने ठीक कर लिया था। मेरे भैया भी डॉक्टर हैं, वेटनरी डॉक्टर हैं, वो बहुत अच्छी सलाह देते हैं दवाइयों वगैरह के बारे में, बहुत कुछ जानते हैं, तो उनसे पूछ के, और मेरा बेटा भी डॉक्टर है, तो उनसे पूछ के हमने इलाज किए, घर में ही इलाज किए,
और हम लोग सब ठीक हो गए, प्यार से ठीक हो गए। बहू बेटे ने संभाल लिया और इसमें प्यार की जरूरत होती है बहुत ज्यादा। भाइयों ने भाभियों ने फोन कर लिए जब भी मतलब उनको टाइम होता है, हर बार वो फोन कर लेते और पूछते रहते थे। इससे ऐसा महसूस होता है कि हमारे पास ही है हमारे घर वाले, हालांकि इसमें कोई आ नहीं सकता कोरोना में, लेकिन फिर भी एक दूसरे से फोन में कनेक्ट रहें और ध्यान रखते रहें अपने घर वालों का, अपने रिश्तेदारों का। हमारे यहाँ किराएदार रहता था लड़का, उसकी दादी जी को हो गया है कोरोना, वो काफी ठीक है, तो वो मेरे बेटे से सलाह लेता रहता है और पूछता रहता है कि अब भैया अब क्या करूं अब क्या करूं। तो ऐसे करके उसने भी अपनी दादी को बहुत अच्छा मतलब ठीक कर लिया, क्योंकि इतनी केयर हॉस्पिटल में नहीं हो पा रही थी जितनी उसने मेरे बेटे से पूछ पूछ कर केयर कर ली अपनी दादी की, और अपनी दादी को वापस खड़ा कर दिया। काफी एजेड है उसकी दादी, फिर भी केयर कर करके खड़ा कर दिया। तो हर तरह की केयर रखें, आपके अगर घर वाले कोई शुगर पेशेंट है, डायबिटीज पेशेंट है, तो उनकी शुगर लेवल वगैरह का पूरा ध्यान रखें कि कितना जा रहा है, नहीं तो पता नहीं लगता है, इतना हॉस्पिटल में ध्यान भी नहीं देते हैं। तो पूरा ध्यान आप रखें कि ऑक्सीजन वगैरह का भी ध्यान रखें, ऑक्सीजन लेवल कितना जा रहा है या डायबिटीज कितनी जा रही है, बुखार कितना है, ये पूरा ध्यान रखते रहें। घर में भी ऑक्सीमीटर वगैरह ले आए, अपना थर्मामीटर वगैरह ले आए, तो पूरा ध्यान घर में जहां तक हो सके रखें और डरें नहीं, इसका मुकाबला करें। और जहां तक है ये एक लड़ाई है जिसे हमें जीतना है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही कहूंगी मैं, और ये ब्लॉग मैं अभी अपलोड कर दूंगी और फिर मैं 2 बजे लाइव में आऊंगी, तो आप लोग जरूर लाइव में आइएगा। और आपका फिर एक बार धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे पास कोई शब्द नहीं है आपका धन्यवाद करने।